नमस्कार, हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान एक किताब की तरह होता है और हर इंसान के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं गोविंद गोयल जी, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, साथ ही यहाँ पर बिजनेस में उनका अच्छा खासा नाम है, तो बिजनेस टाइकून हो गए हैं। तो सर, बहुत स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद अनन्या जी, आपके स्टूडियो में आपने बुलाया, बात करने का मौका दिया। बिल्कुल सर, शुरुआत अगर शख्सियत से कर रहे हैं हम, तो आपके जीवन के सफर के बारे में पहले जानना चाहेंगे। कैसा आपका जीवन का सफर रहा है अब तक का, क्या कुछ आपको लगता है कि अब तक हुआ है उतार चढ़ाव, जैसा भी आपको बताना हो। देखिए, एक बात है, मैं छोटा था, बहुत गरीबी भी देखी है। बेसिकली हम लोग राउक लेने वाले थे, इंदौर महू के बीच में। रेलवे से हम इंदौर पढ़ने जाते थे फ्रॉम पहली क्लास, ट्रेन में छोटा था, उठा के भी लोग चढ़ा देते थे। पढ़ा सरकारी स्कूल में पढ़ा, 10 रुपये मैंने एक आने महीने की फीस लगती थी। सब करके बड़े हम पढ़े, फिर 7वीं 8वीं के टाइम पे पिताजी इंदौर चले गए, तो इंदौर में हमको इजी हो गया। ऐसे करते करते हम ग्रेजुएशन तक पहुंचे हैं। साइकिल से भी पैदल भी जाते थे, साइकिल भी हमारे घर में बड़े भाई की छोटे को मिल जाती थी। ऐसे कई परिस्थितियां देखी है और देख देख के लोगों से सीखा है, लोगों से मिलके सीखा है। मेरे ख्याल से 18-19 साल की उम्र में तो बॉम्बे हमारी शॉप के लिए परचेसिंग करने चले जाता था। वहाँ पे एक कल्चर नया देखा, लोगों की बातचीत का लहजा देखा, तो काफ़ी कुछ सीखा। और मैं सोचता हूँ, आज मेरी 68 ईयर्स की एज है, जिंदगी में न जाने कितने परिस्थितियाँ देखी है, तो उम्र सीखने की कभी खत्म नहीं होती। जो भी आपके सोता है, कोई भी हो, वो सोच ले हम सब सीख चुके हैं तो नहीं। जितना आप सीखोगे, जितना R&D करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। तो आज भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ कि दुनिया हर रोज एक नई शिक्षा। हाँ, डेफिनेटली। मैं आपसे मिला हूँ, आपके कपड़े देखूँ, आपके तरीका देखूँ, बातचीत का, आपका हेयर स्टाइल देखूँ, सब देखूँगा, तो मुझे भी लगेगा नहीं यार, मुझे भी थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। ये हर जगह कुछ ना कुछ सीखता आदमी, तो सीखने का कोई नहीं। आपका वातावरण देखूंगा, फिर आपका स्टूडियो देखूंगा, मेरे ऑफिस में देखूंगा यार इसमें कुछ और बेहतर हो सकता है। आपके वे ऑफ टॉकिंग देखूंगा, वे ऑफ टॉकिंग से मैं सीखूंगा यार, अपनी बिहेवियर भी ऐसी होना चाहिए, हम लोगों से अच्छा और अच्छी मीठी हंस के बात करें। तो मैं सोचता हूँ सीखता रहेगा आदमी और प्रयास करता रहेगा, तो जिंदगी में कोई राह मुश्किल नहीं, आगे ही बढ़ेगा। और मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूँ इन्हीं सभी को करते हुए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि शून्य से शिखर तक का सफर आपने तय किया, ऐसे में अगर देखा जाए तो राजनीति में एंट्री कैसे हुई? देखिए, एक्चुअली मेरे मामा नेता थे और मेरे मामा सगे मामा एक ही मामा थे। हमारे पिता, हमारी दो मौसियाँ थी, मेरी मम्मी, ऐसे 3 बहनों में एक भाई थे। वो शुरू से कांग्रेसी नेता थे बचपन से ही, और उन्होंने काफी संघर्ष किया, तो उसके कारण हमारा परिवार भी पूरा कांग्रेसी हो गया। तो 72 में मेरे मामा जी MLA लड़े थे, उनके लिए भी हम लगे, जब से हमारी एंट्री हो गई एक तरीके से कांग्रेस में। आज मुझे 49 साल करीबन हो गए। मतलब ये बात सही कि बीच बीच में मेरे को जब भोपाल आया, मुझे पैसे की भी दिक्कत थी, व्यापार भी बनाना था, उस समय मैं कुछ राजनीति से काफी दूर भी हो गया, लेकिन लगा रहता, जब मौका मिलता था घंटा आधे घंटा भी देता था, लेकिन मैं प्रयास करता था कि कांग्रेस से जुड़ा हूँ और माने लोगों के दिनचर्या से भी जुड़ूं और लोगों में अपने आप को एक स्थापित करने का भी प्रयास करूं। सर, यहाँ पे देखें तो बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई आपकी? बिजनेस का मैंने आपको बताया, 1969 से मैं बॉम्बे परचेसिंग करने गया। उसके बाद में हमारे पिताजी की बहुत अच्छी वेल रेपुटेटेड दुकान थी, उसमें से मुझे बिजनेस का शौक था, तो हमारा सेल्समैन मार्केट में जाता था। वो उस टाइम 4 पहिए के ठेले पे जाता था, मैं उसके साथ गया, लोगों से बात की। देखिए, जब आपकी दुकान पे ग्राहक आता है तो आप थोड़े से अकड़ के बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी जरूरत से आया। जब हम किसी की दुकान पे जाते थे, माल बेचने जाते थे, उसको जरूरत भी हो तो हमको मना करता था, हमको पटाना पड़ता था, प्रेम करना पड़ता था। वहां से मैंने बिजनेस की शुरुआत की और मैंने ये सीखा कि बाहर जाके बिजनेस करके ज्यादा गेन कर सकता आदमी। अपने ऑफिस या अपनी शॉप पे तो वो लिमिटेड ग्राहक आएंगे, लेकिन बाहर जाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे, तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। तो मैंने कोशिश की कि मैं उस तरीके शुरू करूं। 79 में मैं भोपाल आया,
मेरा छोटा सा घर था 200 महीने का, 150 महीने की मेरी दुकान थी। उस समय भी दुकान अकेला आदमी था, अकेला मैं घूमता बाजार में माल बेचता, थोक का इधर का उधर, उससे इधर परसेंट 2% जो मेरा अपना करता रहा। उसके बाद मेरे को लगा मेरी तरक्की और हो सकती, मैं 80 में जयपुर चला गया, 80-81 जयपुर रहा। उस समय मेरे पास एक सुगंध संगार अगरबत्ती होती जिसकी एजेंसी थी, पूरा राजस्थान में घूमता घूमा। उसका 82 में मेरी मिसेज बहुत कही कि नहीं, अपने भोपाल चले, वापस में भोपाल आ गया। जब से हम बढ़ते गए धीरे धीरे चलते गए, बनियासी के बाद कहीं ना कहीं मेरे को भगवान आगे बढ़ाता गया, मैं आज इस पोजिशन पर पहुंच गया। सर यहाँ पे बात करने कोरोना की, तो हर किसी के बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़ा है, तो कोरोना के वक्त में आपका बिजनेस किस तरह से इफेक्ट हुआ और क्या कुछ मुश्किलें इस दौर में आई? देखिए कोरोना के समय पे सबका बिजनेस इफेक्टेड हुआ था, लेकिन हमारे पास एक एसेंशियल आइटम बनाते हैं तनमन डिटर्जेंट, जो सोप भी आता है और पाउडर भी आता है। 15 दिन बाद ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी फैक्ट्री चालू रह सकती है। उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया चालू रखने का। उस समय पहले कोरोना में क्या हुआ था कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, अचानक ही कोरोना लग गया तो लोगों का सामान्य था, इसलिए माल की अच्छी डिमांड थी। लेकिन दूसरे कोरोना में लोगों की बहुत हालत खराब हुई। दूसरा कोरोना जब लगा, ये भी लहर आई, तो उस समय लोग प्रिपेयर्ड थे तो उन्होंने सामान वगैरह भी खरीद लिया, लेकिन दोनों कोरोना में लोग आर्थिक दृष्टि से टूटे। जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको कहीं की तकलीफ हुई। देखिए आम चीजों के दाम बहुत बड़े, पेट्रोल हो, डीजल हो और भी कई चीजें हैं, ये तो एक सामान्य बात है। चीजों के दाम बढ़े, चीजों के दाम बढ़ने से क्रय शक्ति व्यक्ति की कहीं ना कहीं कम हुई, और व्यक्ति की क्रय शक्ति कम होने से कहीं ना कहीं बिजनेस पे इफेक्ट आ रहा है। और हमारा क्या सब तरह का, और मैं सोचता हूँ आप मीडिया वाले हो, सबसे ज्यादा मीडिया को इफेक्ट आया, उससे ज्यादा पेपर वालों को इफेक्ट आया कि लोग इतना उस टाइम भ्रम फैल गया था, पेपर छूने को तैयार नहीं थे। लेकिन परमात्मा की कृपा है, मैं कोरोना से डरा नहीं, हिम्मत से मुकाबला करता रहा। और तो मैंने मास्क भी बहुत कम पहना, मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ बिजनेस में जो सबको इफेक्ट हुआ, थोड़ा हमें भी हुआ। अब चलता है, जैसी परिस्थिति होगी वैसा रहना पड़ेगा, लेकिन हमारी आज भी अच्छा बिजनेस है। हमारा 2-3 बिजनेस है, एक तो हमारी अगरबत्ती आती पूजा पाठ के नाम से, भोपाल में काफी एक्सेप्टेड है, यूपी बिहार में भी बिकती है, दूसरी जगह बिकती है। नंदन डिटेल हमारा आता है, आपका भास्कर नमक हमारा आता है, और अभी साल भर पहले करीबन मैंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष से स्वयं इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं काफी 4 बार कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। 3 बार जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर मैंने जी मांगा फालतू हो गया। फालतू होने के कारण हमने स्पाइसेस की फैक्ट्री चालू की, तो बिग बॉस के नाम से 6 महीने से हमने स्पाइसेस चालू किए। हमने एक ही निश्चय है, देखिए हमारा बिजनेस में एक ही निश्चय रहा, ग्राहक को चीट मत करो, ऑलवेज गिव द बेस्ट क्वालिटी। यदि आपने क्वालिटी अच्छी दी, व्यवहार अच्छा रखा, तो कोरोना हो कि कुछ भी हो, क्षणिक आपको तकलीफ होगी, लेकिन एक दिन आप आगे ही बढ़ोगे, और वो उसी कारण प्रभु की कृपा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे समाज सेवा के काम आपने करे हैं, तो उनके बारे में बता दीजिए। देखिए मैंने हमारी भोपाल जनसेवा समिति थी, जिसमें हजारों लोगों के हमने नकली कृत्रिम अंग लगाए, किससे किसी को पैसा नहीं लिया। और समाज में कोई भी होता है तकलीफ तो करता हूँ। जब कोरोना पहला लगा था तो कोरोना की फिक्र किए बिना, मैं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी का उस टाइम कोषाध्यक्ष था, हमने मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी से 2 महीने तक 25,000 रुपए के डोज बनवा के बांटे। और मेरे बच्चे बहुत सख्त नाराज थे कि मैं जाऊं। आप भी सोचो, आपके भी होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, कोई भी होंगे, तो कोरोना में घर से नहीं निकलने देंगे। मैं सवेरे 9 बजे से 8 बजे तक लगा रहा, और मैंने बरोबर अपना काम किया। एक कंपिस्ट व्यापारियों की संस्था बनाई, उसके द्वारा भी हमने कोरोना में समय समय पर काम किया। ऐसी कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ, और इससे मेरे मन को संतोष मिलता है। और जब मन को संतोष मिलेगा, मन अच्छा रहेगा, तो आदमी अच्छा काम करेगा, ऐसा मेरा सोचना। जो सर आप बता रहे हैं, तो अगर आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाए तो क्या पसंद है आपको, क्या करना पसंद है आप, जैसे अगर आपके इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? देखिए एक बात है, एक तो मेरे को सोशल एक्टिविटीज पसंद है, लोगों से कॉन्टेक्ट डेवलप करना पसंद है। दूसरा मेरा, चूंकि मैं, मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत हो गई थी, मैं छोटा आदमी था उस समय, मैंने पैसे कमाने का शौक लगा,
तो उसलिए मैं सवेरे 6 बजे से रात को 2-2 बजे तक मेहनत करता था। आप बोलेंगे 2 बजे क्या करते थे, तो 10 बजे बाद हमारा 9 बजे बाद खाना खा के मैं घर से निकाल के दीवारों पे पोस्टर लगाता था हमारे प्रोडक्ट के, ऐसे करके। लेकिन इस सब चीज में एक मैसेज चूक हुई, मैंने परिवार का ख्याल नहीं रखा, मैंने अपनी धर्म पत्नी का ख्याल नहीं रखा, मैंने बच्चों का ख्याल नहीं रखा। तो धर्म पत्नी कहीं कहीं मुझसे दुखी भी थी, वो चली भी गई, मुझे आज तक दुख है कि मैंने उनका ख्याल नहीं रखा। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम आकाश और वेंकटेश, दे आर डूइंग वेल। मेरी इतनी भगवान ने मेरे को सफलता दी कि मेरी ग्रैंड डॉटर उन्नति है, अब अमेरिका में लॉस एंजल्स में पढ़ रही है। तो मैं भगवान से भी खुश हूँ, अपनी मेहनत से भी खुश हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आदमी प्रयत्न करे। यदि कोई आदमी टारगेट बना ले और उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन गलत हो या सच हो उस पर लग जाए, वो यदि डिसीजन के लिए अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तरह से लग गया तो कामयाबी मिलती है। थोड़ा समय लगता है लेकिन आदमी को हार नहीं हार के हिम्मत करना चाहिए। सर, जिस तरीके से आप अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अगर देखा जाए यहाँ पे तो जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमें कुछ सीख भी मिलती है और आगे के लिए हम सतर्क भी हो जाते हैं। तो आपके जीवन में कभी कोई ऐसा पहलू आया जब आपको कुछ सीख भी मिली हो और आप सतर्क भी हुए हो? सीख तो मैंने कहा ना, मैं सीखता ही रहता हूँ। जब भी दिन भर, आज भी आपसे मिलूंगा, इनसे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, कहीं ना कहीं सीखने को ही था। सीखने का तो प्रयास है, लेकिन उतार आए चढ़ाव आए, कोई फिक्र नहीं करी। मैं एक जैसे धुन में लगा रहा, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत लंबी चौड़ी नहीं पड़ी। अब देखिए, मैं छोटा सा था स्कूल में था, बहुत छोटा था मैं, मेरी हाइट बहुत कम थी। क्लास की लाइन में हमारे प्रार्थना होती थी, बड़ी बड़े हाल में होती थी सवेरे सवेरे, उसमें हम जाते थे। मेरी छोटी हाइट थी, मैं बड़ी करने की कोशिश करता था, नहीं होती थी। और आप मानोगे नहीं, मैं बचपन में बहुत दुबला था, बहुत दुबला। अब मैं 12 रोज के आलू बड़े खाता था, मोटा ही नहीं होता था। बड़ी परेशानी मैंने झेली। अब 7th-8th में मेरे सर कुया जी थे, महेश्वरी विद्यालय इंदौर में पढ़ा हूँ, बोले यार तुम डिबेट में जाओ। अरे मैं डिबेट मतलब वाद विवाद पे थे, कहते मैं जाओ। अरे मैं कैसे जाऊँगा सर, मैं दूध जाऊँगा। बोले जा। मैं गया साहब एक मारवाड़ी कन्या विद्यालय नलिया बखल इंदौर में, मैंने डिबेट में भाग लिया। वो लड़की ज्यादा थी और लड़के भी थे, उन्होंने डिबेट में भाग लिया। अब डिबेट में भाग लेने के बाद मैं बुरी तरीके से हार गया, क्योंकि पहली बार माइक के सामने खड़ा रहे तो आदमी थोड़ी घबराहट हो जाती। लेकिन फिर भी सर ने मेरे को प्रोत्साहित किया, हिम्मत नहीं आ रही। 3rd-4th दिन या 8th दिन कोई दूसरी जगह में भाग लेने गया, और भाग लेने गया वहां से कप मेरे को मिला। और कप मिला तो मेरे को स्कूल में सर ने, जब हमारी प्रार्थना थी, ऊपर स्टेज पे लाके वो कप दिया। उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और मैंने सोचा यार बोलने की हिम्मत आ गई। और आप, मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा बोलो, अच्छा रहो, अच्छा व्यवहार करो तो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, जैसे अटल जी बने थे। अटल जी की बातचीत की बड़ी तरीका था, इंदिरा जी की बातचीत का बड़ा तरीका था, नेहरू जी का तरीका। तो आपको बोलने में हिम्मत रखना पड़ेगी। और बोलने में देखिए, डिबेट में क्या होता है, एक ही चीज, उसकी अच्छाई भी बोलना है, बुराई भी बोलना है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। तो यदि आप प्रिपेयर्ड होकर कोई काम करो तो कामयाबी सुनिश्चित है। उसी राह पे चलता रहा तो ऊंचनी चलती है, मैंने कभी इतनी फीलिंग ही नहीं की। सर, आपका व्यक्तित्व जो है काफी, कह सकते हैं, खुले दिल का है। तो ऐसे में जो लोग आपको मिलते हैं, फिर जिस तरह से बिजनेस के अभी फिलहाल की परिस्थितियां चल रही है कि बिजनेस अब ग्रो हो रहा है वापस, ये कोरोना के वक्त में सब कुछ ठप पड़ गया था, तो आपके व्यक्तित्व की वजह से क्या लगता है कि जो आपके ऑडियंस है, आप कह सकते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं, उनका जो एक मास्क एक आपके पास अच्छा खासा उनका है, तो उनसे कैसे अगर कोई बातचीत होती है तो कैसा वो लगता है? क्योंकि एक कम्युनिकेशन जो है बैठाना बहुत जरूरी होता है कस्टमर के साथ, तो कैसे आप उनसे कम्युनिकेशन बैठाते हैं? देखिए, हमारी लाइन है, हम कॉरपोरेट नहीं है, स्मॉल कॉरपोरेट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सुनिए, आजकल की तारीख में कोरोना में छोटा व्यापारी बहुत परेशान है, और पिछले 2-5 साल से 10 साल से जो गवर्नमेंट की नीति आई है उसके कारण छोटा और मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल के ये दुकानें खुल रही है, आप समझते हो, जो भी डी मार्ट हुआ, बेस्ट प्राइस हुआ, बेस्ट वो रिलायंस हुआ, जो भी है, वट एवर, अब